दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। इस अपडेट के तहत अब क्या होगा कि जो भी रिजर्वेशन करवाना चाहेगा किसी भी ट्रेन में, ट्रेन चलने से 5 मिनट पहले तक रिजर्वेशन होगा। रेलवेज ने भी रिसेंटली चेंजेस किए हैं और उसमें चार्ट बनने का जो टाइम था वो 30 मिनट पहले का कर दिया, जो पहले और रिस्टोर किया है। दूसरी चीज़ ये की है कि जो भी सीटें कैंसिल्ड होंगी, कोई कैंसिल कराना चाहेगा ट्रेन चलने के 5 मिनट पहले तक कैंसिल करा सकेगा और सारी कैंसिल्ड की हुई सीटें ऑनलाइन फ़ौरन अवेलेबल हो जाएंगी। क्या होता था कि वो टीटी को दे दी जाती थी और टीटी उसमें अपनी मनमानी करते थे। टीटी की मनमानी बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली है और ये सीटें तुरंत अवेलेबल ऑनलाइन हो जाएंगी जैसे कोई कैंसिल कराएगा। तो उससे सोचिए, आपको कहीं जाने का अचानक प्लान बन जाए और सीटें बिल्कुल ही अवेलेबल ना हो, सब कुछ ना हो, और अचानक आप IRCTC की वेबसाइट पर चेक कर रहे हों और कोई सीट आपको अवेलेबल दिख जाए और आप बुक कर लें, कितनी आपको खुशी होगी। जी हाँ, ये खुशी आपको होने वाली है जो इस चीज़ को रेलवे ने इंट्रोड्यूस कर दिया है और इसका अपडेट IRCTC की वेबसाइट में डाला जा रहा है। तो जैसे ही कोई कस्टमर अपना टिकट कैंसिल करता है ट्रेन चलने के 5 मिनट पहले तक, उसकी सीट तुरंत IRCTC की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। PRS काउंटर से भी आदमी टिकट बुक कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।